स्वागत है आप सभी का कहानी केंद्र में। अब आप सुनेंगे अमेरिकी साहित्यकार ओ हेनरी की लिखी कहानी दिल और हाथ। डेनवर में पूर्व की ओर जाने वाली B&M एक्सप्रेस के डिब्बों में यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। एक डिब्बे में एक बहुत ही सुंदर युवती बैठी थी जो सुरुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहने हुए थी और एक अनुभवी यात्री के सभी शानदार सुख सुविधाओं से घिरी हुई थी। नए यात्रियों में दो युवक थे जिनमें से एक सुंदर दिखने वाला, साहसी, स्पष्ट चेहरे और व्यवहार वाला था। दूसरा एक झबरा, उदास चेहरे वाला व्यक्ति था जो भारी शरीर वाला और भद्दे कपड़े पहने हुए था। दोनों को एक साथ हथकड़ी लगाई गई थी। जैसे ही वे कोच के गलियारे से गुजरे, एकमात्र खाली सीट आकर्षक युवा महिला के सामने खाली दिखी। यहाँ पर हथकड़ी से बंधे युवाओं ने अपने आप को बैठा लिया। युवा महिला की नजर दूर से तेजी से उदासीनता के साथ उन पर पड़ी, फिर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसके चेहरे पर चमक आ गई और उसके गोल गालों पर एक कोमल गुलाबी रंगत आ गई। उसने अपना छोटा सा ग्रे दस्ताना वाला हाथ आगे बढ़ाया। जब वो बोली तो उसकी आवाज संपूर्ण मधुर और विचारशील निकली, जो ये दर्शाती थी कि उसका मालिक बोलने और सुनने का आदि था। ठीक है मिस्टर ईस्टन, अगर आप मुझे पहले बोलने देंगे तो मुझे ही बोलना होगा। क्या आप कभी भी पश्चिम में अपने पुराने दोस्तों से मिलते समय उन्हें पहचान नहीं पाते? युवती की आवाज सुनकर युवक अचानक से हड़बड़ाकर चौंक उठा। वो थोड़ी सी शर्मिंदगी से जूझता हुआ दिखाई दिया, जिसे उसने तुरंत दूर कर दिया और फिर अपने बाएं हाथ से उसकी उंगलियां पकड़ ली। ये मिस फेयरचाइल्ड हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपसे दूसरे हाथ के लिए माफी मांगता हूँ, ये अभी किसी और काम में लगा हुआ है। उसने अपने दाहिने हाथ को थोड़ा ऊपर उठाया, जो उसके साथी के बाएं हाथ के चमकीले कंगन से कलाई पर बंधा था। लड़की की आंखों में खुशी की झलक धीरे धीरे हैरान कर देने वाली डरावनी नजर में बदल गई। उसके गालों की चमक फीकी पड़ गई, उसके होंठ एक अस्पष्ट आरामदायक परेशानी में खुले रह गए। ईस्टन थोड़ी हंसी के साथ, जैसे कि वो खुश हो, फिर से बोलने वाला था जब उसे दूसरे ने रोक दिया। उदास चेहरे वाला आदमी अपनी गहरी चतुर आंखों से छिपी हुई निगाहों से लड़की के चेहरे को देख रहा था। आप मुझे बोलने के लिए क्षमा करेंगी मिस, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप यहाँ के मार्शल से परिचित हैं। यदि आप उसे बाड़े में पहुंचने पर मेरे लिए एक शब्द बोलने के लिए कहेंगी तो वो ऐसा करेगा और इससे मेरे लिए वहां चीजें आसान हो जाएंगी। वो मुझे लेवेनवर्थ जेल ले जा रहा है जालसाजी के लिए, 7 साल की सजा है। ओह, लड़की ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तो तुम यहां ये कर रहे हो मार्शल? मेरी प्यारी मिस फेयरचाइल्ड, ईस्टर्न ने शांति से कहा, मुझे कुछ करना था। पैसा अपने आप ही पंख फैला लेता है और आप जानती हैं कि वॉशिंगटन में भीड़ के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए पैसे की जरूरत होती है। मैंने पश्चिम में ये अवसर देखा और खैर, मार्शलशिप राजदूत के पद जितना ऊंचा पद नहीं है, लेकिन राजदूत, लड़की ने गर्मजोशी से कहा, अब फोन नहीं करता। उसे कभी फोन करने की जरूरत ही नहीं थी, तुम्हें यह पता होना चाहिए। और इसलिए अब तुम इन तेजस्वी पश्चिमी नायकों में से एक हो। तुम सवारी करते हो, गोली चलाते हो और हर खतरों का सामना करते हो। ये वॉशिंगटन के जीवन से अलग है, तुम पुराने लोगों से दूर हो गए हो। लड़की की आंखें मोहित होकर पीछे की ओर मुड़ गईं और थोड़ी चौड़ी होकर चमचमाती हथकड़ियों पर टिक गईं। उनकी चिंता मत करो मिस, दूसरे आदमी ने कहा। सभी मार्शल अपने कैदियों को भागने से रोकने के लिए खुद को हथकड़ी से बांध लेते हैं। मिस्टर ईस्टन को अपना काम पता है। क्या हम जल्दी ही वॉशिंगटन में आपसे फिर मिलेंगे? लड़की ने पूछा। मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी होने वाला है, ईस्टन ने कहा। मुझे डर है कि मेरी आजादी के दिन खत्म हो गए हैं। मुझे पश्चिम बहुत पसंद है, लड़की ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। उसकी आंखें धीरे धीरे चमक रही थीं। उसने कार की खिड़की से बाहर देखा। वो बिना किसी शैली और तरीके की चमक के सच्चाई और सरलता से बोलने लगी। माँ और मैंने गर्मियों की छुट्टियां डेनवर में बिताई। वो एक हफ्ते पहले घर चली गई क्योंकि पिताजी थोड़े बीमार थे। मैं पश्चिम में रह सकती थी और खुश रह सकती थी। मुझे लगता है कि यहाँ की हवा मुझे भा गई है। पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता, लेकिन लोग हमेशा चीजों को गलत समझते हैं और बेवकूफ बनते रहते हैं। कहो मिस्टर मार्शल, उदास चेहरे वाला आदमी गुर्राया, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। मुझे एक ड्रिंक की जरूरत है और मैंने पूरे दिन सिगरेट नहीं पी है। क्या तुमने काफी देर तक बात नहीं कर ली? अब हमें धूम्रपान वाले कमरे में चलना चाहिए, है ना? मैं पाइप पीने के लिए आधा मर चुका हूँ। बंधे हुए यात्री अपने पैरों पर खड़े हो गए। ईस्टन के चेहरे पर वही धीमी मुस्कान थी। मैं तंबाकू के लिए किसी याचिका को अस्वीकार नहीं कर सकता,
उसने हल्के से कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति का एकमात्र मित्र है। अलविदा मिस फेयर चाइल्ड, कर्तव्य पुकारता है, आप जानते हैं। उसने विदाई के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। ये बहुत बुरा है कि तुम पूर्व की ओर नहीं जा रहे हो, उसने कहा और अपने आप को उसी पुराने ढंग और शैली के लिए पुनः व्यवस्थित करने लगी। लेकिन तुम्हें लिविनवर्थ जाना ही होगा मुझे लगता है। हाँ, ईस्टन ने कहा, मुझे लिविनवर्थ जाना ही होगा। दोनों व्यक्ति गलियारे से नीचे उतरकर धूम्रपान कक्ष में चले गए। पास की सीट पर बैठे दो यात्रियों ने बातचीत का अधिकांश हिस्सा सुन लिया था। उनमें से एक ने कहा, वो मार्शल एक अच्छा आदमी है, इनमें से कुछ पश्चिमी लोग ठीक हैं। दूसरे आदमी ने पूछा, वो इस तरह के पद पर आसीन होने के लिए बहुत युवा है ना? युवा? पहले आदमी ने आश्चर्य से कहा, क्यों? ओह, क्या तुम समझ नहीं पाए? बताओ, क्या तुमने कभी किसी अधिकारी को कैदी के दाहिनी हाथ में हथकड़ी लगाते देखा है?